घोटाले पर दिल्ली में घमासान, केजरीवाल गिरफ्तार, आपका उपवास। बीजेपी का प्रदर्शन, शीश महल का विरोध। चुनाव की तैयारी, किसके प्रदर्शन पर कौन भारी। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर चल रहा सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। एक ही दिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोलकर प्रदर्शन किया। आप नेताओं ने जहां एक दिन का उपवास किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी शराब घोटाले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। बीजेपी का आरोप है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल मुख्य आरोपी हैं। गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफे से इनकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जेल में जाने को लेकर के वहां पे अनशन पे बैठी है, तो दूसरी तरफ जहां दिल्ली बीजेपी सीपी में अपना प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी के, जो भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार ही जिस तरीके से तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के यहां पर प्रोटेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। या शराब नीति हो या फिर शीश महल का पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिपटा हुआ आम आदमी पार्टी हो, साफ तौर पर आप देख सकते हैं एक मॉडल तैयार किया गया है शीश महल का, और यहाँ पर जितने तरीके से उसमें खर्च किए गए हैं उस तरीके से पूरे यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं उनको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि पर्दे में इतने करोड़ का खर्च है और मार्बल में इतने करोड़ का खर्च है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए न केवल शराब घोटाले को उछाल रही है बल्कि सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर हुए खर्च को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल के तथा कथित शीश महल का एक मॉडल भी रखा हुआ था, जिसमें इस मकान में हुए खर्च को दिखाया गया है। बीजेपी का आरोप है कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने सरकारी घर की साज सज्जा पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। यहाँ पर शीश महल का मॉडल रखा गया है और तमाम जो सुविधाएं वो यहाँ पर अंकित की गई है, क्या क्या सुविधाएं वहाँ पर अंदर शीश महल में है, और जिसको लेकर के जो जनता का टैक्स का पैसा है वो पानी की तरह बहाया गया है। साफ तौर पर यहाँ दिल्ली की जनता जमा है सीपी में और लगातार ही उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले ये कहते थे कि उनसे ज्यादा कट्टर ईमानदार कोई नहीं, लेकिन जैसे जैसे उनके गुनाहों का पिटारा खुलता गया वैसे वैसे भ्रष्टाचार के मामले निकल के सामने आते रहे। बीजेपी का दावा है कि दिल्ली शराब घोटाले की जांच में कुछ और नेताओं पर शिकंजा कसा जाएगा, इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता परेशान हैं और बीजेपी पर ही झूठे आरोप लगाकर चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चोर ने खुद को चोर माना है क्या? किसी चोर ने कभी कहा है कि मैं चोर हूँ? आम आदमी पार्टी अपराधी पक्ष के साथ खड़ी है, उनकी विश्वसनीयता पर क्या भरोसा किया जाएगा? वो तो सतेंद्र जैन के बारे में भी बोलते थे, उससे पहले जितेंद्र तोमर के बारे में भी बोलते थे, एक एक करके सब अपने अपने अपराधों में कन्विक्ट हुए हैं। आज वही भाषा केजरीवाल के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री अपराधों के कारण जेल में है और ज्यादा दिन इस कुर्सी पर रह नहीं पाएंगे, इस्तीफा उन्हें देना पड़ेगा। जेल से गिरोह चलते हैं, जेल से सरकारें नहीं चलती हैं, ये उनकी गलत फहमी है। पहले वो कहते थे कि हम गिरफ्तार ही नहीं होंगे, आज वो गिरफ्तार हुए अपने पापों के कारण। अब वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तब तक चैन से बैठेगा ही नहीं जब तक